हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम बनाएंगे परमल जो हमने धो के और काट के रख लिए हैं। चने की दाल 100 ग्राम पानी में भिगो के रख रखी थी 10 मिनट। एक प्याज है मीडियम साइज का जो बारीक कटा हुआ है। 2 लहसुन की कली कटी हुई, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें जीरा, लहसुन। लहसुन हमारा ब्राउन हो जाए, हल्का हल्का लाल हो जाएगा, सो ये हम डालेंगे इसमें। प्याज इसको हम अच्छा सा भून के लाल होने तक का इंतज़ार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, हींग। अगर आपकी हींग तेज है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप इसे कम डालें। और मेरी प्याज भुन चुकी है, अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च। अब डालेंगे इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार जैसी आप खाते हो। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब डालेंगे हम चने की दाल जो हमने भिगो के रख रखी थी। डालेंगे परमल, काला नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है इसमें, तो उतने ऑटो अकॉर्डिंग डालें स्वाद के साथ से। अब इसको हम इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। अब इसको हम ढककर रख देंगे। अब थोड़ी से 10 मिनट तक हम पहले पकाएंगे। अरे फ्रेंड, देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनी है कि नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी रेडी है। हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अब हम डालेंगे धनिया। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़, और लाइक कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और कमी हो वो भी बताना, लेकिन बताना और लिखना कमेंट में ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय। राधे राधे।